नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। विधानसभा उपचुनाव नामांकन के अंतिम दिन भागलपुर और बांका में 23 प्रत्याशियों ने दाखिल किया पर्चा। समाहरणालय परिसर में उमड़ी रही समर्थकों की भीड़। गंगा का जलस्तर बढ़ते ही विश्वविद्यालय कैंपस में घुसा बाढ़ का पानी, कर्मचारियों ने छुट्टी घोषित करने की मांग। बाढ़ के कारण नाथनगर विधानसभा उपचुनाव कराना जिला प्रशासन के लिए बनी चुनौती। सबौर और नाथनगर का इलाका हुआ जलमग्न। तेज बारिश के कारण बांका अमरपुर मुख्य मार्ग पर गिरा विशाल पेड़, घंटों यातायात रहा बाधित। और नवरात्र को लेकर मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से डांडिया का हुआ आयोजन, जमकर थिरकी महिलाएं। और अब खबरें विस्तार से। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन समाहरणालय परिसर में प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। सोमवार को कुल 17 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। जदयू से पूर्व जिला अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत मंडल ने पर्चा दाखिल किया। वहीं राजद से रविया खातून, हम पार्टी से अजय कुमार राय, CPIM से मनोहर कुमार मंडल, वंचित समाज पार्टी से डॉली मंडल, भारतीय दलित पार्टी से दयाराम मंडल, राष्ट्रीय समता पार्टी से रंजन कुमार सिंह, भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक से अमित कुमार मंडल सहित कई स्वतंत्र उम्मीदवारों ने वरीय उप समाहर्ता राजेश झा राजा के समक्ष नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान समाहरणालय परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं नामांकन के बाद प्रत्याशी समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया और अपने उम्मीदवार के समर्थन में नारेबाजी करते दिखे। हम आपको बता दें कि नाथनगर विधायक अजय मंडल के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गया था। सबसे पहले आपदा प्रभावित लोगों का अधिकार है और वे आपदा से प्रभावित और उसका पहला अधिकार है, वह अधिकार उसको दिलवाऊंगा। और लोगों के लिए जो जो बात प्रभावित है उसका संरक्षण हो रहा है, उसके लिए सब चीज हो रहा है, धीरे धीरे सब जमीन पर आ जाएगा। कुछ गांव में भी फंसे हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो चुनाव बराबर COHDO से बात कर रहे हैं, उनका सहयोग मिल रहा है, जहां तक हो रहा है हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते हैं। आपका मुद्दा। वहीं बेलहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। राजद से पूर्व विधायक रहे रामदेव यादव ने उपचुनाव में नामांकन भरा, जबकि जदयू सांसद गिरधारी यादव के भाई लालधारी यादव ने जदयू प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। नामांकन के दौरान सांसद गिरधारी यादव भी मौजूद थे। वहीं बांका समाहरणालय में नामांकन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दरअसल गिरधारी यादव के सांसद बन जाने से बेलहर विधानसभा की सीट खाली हो गई थी। मतदान 21 अक्टूबर को होगा। जीतने की पूर्ण संभावना है, चारों तरफ से सभी वर्गों का, खास करके गरीबों का, अल्पसंख्यकों का जो पुरजोर समर्थन मिल रहा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ते ही विश्वविद्यालय परिसर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में आम का पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से गेस्ट हाउस की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। सोमवार को बाढ़ का पानी प्रशासनिक भवन के सामने 2 फीट तक बढ़ गया, जिसके कारण जरूरी काम से आने वाले छात्र छात्राओं और कर्मचारियों को काफी परेशानी हुई। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक नाव और रिक्शा से कार्यालय पहुंच रहे। इधर बाढ़ से हो रही परेशानी को देखते हुए सीनेट सदस्य बलराम सिंह ने कुल सचिव कर्नल अरुण कुमार सिंह को पत्र देकर छुट्टी घोषित करने की मांग की है। वहीं रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि बाढ़ को देखते हुए नाव की व्यवस्था की गई है, साथ ही कर्मचारियों की समस्या पर कुलपति प्रोफेसर AK राय से बात की जाएगी। विश्वविद्यालय में बाढ़ का स्थिति तो काफी गंभीर है, इस लेकर और बरसात रात दिन हो रहा है, इसलिए हम माननीय कुल सचिव महोदय से मिलने गए और अनुरोध किए। जो 2 तारीख को बंद है, 3 से लगातार विश्वविद्यालय बंद किया है। देखिए, बाढ़ का पानी तो कुदरती है, बढ़ गया है, अभी विश्वविद्यालय खुला हुआ है, हमने नाव का इंतजाम किया हुआ है, हॉस्टल बंद कर दिए, गर्ल्स हॉस्टल बंद कर दिए गए हैं, एग्ज़ाम को जो है पोस्टपोन कर दिया गया। कुलपति महोदय खुद गए थे पानी में 1.5-2 फीट में, खुद ही गए थे हॉस्टल को देखने का, उन्होंने मुआयना किया और स्पॉट पर लिया डिसीजन
कि यदि ग्रेव सिचुएशन है तो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। यहाँ भी बाढ़ का पानी है, नीचे आप देख ही रहे हैं, नाव की व्यवस्था कर दी गई हॉस्टल से यहाँ आने के लिए, लेकिन उतनी अभी अलार्मिंग नहीं हुआ है। हम इस पे ऊपर नज़र रखे हुए हैं और कुलपति भी इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और अगर पानी बढ़ा तो उसके ऊपर कुलपति महोदय क्विक डिसीजन लेंगे और आपको तुरंत इतला दे दिया जाएगा। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण बाढ़ का पानी कई इलाकों में बढ़ चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में, यहाँ भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, और बाढ़ का पानी प्रवेश करते ही छात्र छात्राओं को, यूनिवर्सिटी आने वाले छात्र छात्राओं को, कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय में जो विश्वविद्यालय का जो कैंपस है उसकी स्थिति जलमग्न जैसी है। यहाँ लोग नाव के सहारे आन जान कर रहे हैं, कुछ लोग रिक्शा का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जरूरी काम से विश्वविद्यालय आने वाले छात्र छात्राओं को, कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, और ऑफिशियल काम से जो कर्मचारी आ रहे हैं उसे आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के कारण जो है, तो बाढ़ का जो पानी यहाँ प्रवेश किया है, जिसके कारण पिछले एक सप्ताह से हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निःशुल्क नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन नाव की व्यवस्था जो है वो नाकाफी नज़र आती। भागलपुर जिले में आई बाढ़ के कारण नाथनगर विधानसभा उपचुनाव कराना जिला प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। लगातार हो रही बारिश और गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर चुनाव की तैयारियों पर दिखने लगा है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र 3 प्रखंडों से घिरा हुआ है, जो बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। नाथनगर और सबौर प्रखंड के 20 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण हजारों की संख्या में लोग राहत शिविर एवं ऊंचे जगहों पर शरण लिए हुए हैं। वहीं नाथनगर और सबौर के दर्जनों मतदान केंद्रों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है। हम आपको बता दें कि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में 21 अक्टूबर को मतदान होना है, लेकिन बारिश और गंगा के जलस्तर को देखते हुए बाढ़ पीड़ित कब तक अपने घर वापस लौटेंगे, ऐसे में चुनाव की तैयारी पूरी करना आसान नहीं है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण अमरपुर बांका मुख्य मार्ग पर विशंभर चक गांव के समीप आम का विशाल पेड़ बीच सड़क पर गिर गया, जिसके कारण यातायात प्रभावित हो गया। पेड़ की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान पैदल चलने वाले राहगीर भी काफी परेशान दिखे। वहीं पेड़ गिरने की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना में पदस्थापित दरोगा विजय शंकर सिंह मौके पर पहुंचे, और जेसीबी की मदद से 5 घंटे की मशक्कत के बाद पेड़ को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो गया। नवरात्र को लेकर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन नगर शाखा की ओर से सोमवार को कचहरी चौक स्थित होटल में डांडिया का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से की गई। इस दौरान रंग बिरंगे परिधानों से सजी महिलाओं ने जमकर डांडिया का आनंद लिया, साथ ही कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता सराफ ने कहा कि कार्यक्रम के जरिए सभी समाज की महिलाओं को एकजुट करने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर शोभा खेत्रीवाल, पद्मा बाजोरिया, निम्मी झुंझुनवाला, सीमा महेश का सहित कई सदस्य एवं महिलाएं मौजूद थी। जो ये दुर्गा जी, महिषा सुनता जी, इसके उपलक्ष्य में डांडिया का प्रोग्राम होता है, तो ये गुजरात से शुरू हुआ था, लेकिन अब हमारे सारे देशों में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित हो चुका है और सभी बहुत धूमधाम से ये डांडिया का प्रोग्राम करते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542932154 6200122297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एक तरफ स्मार्ट सिटी भागलपुर की जनता बाढ़ और बारिश से परेशान है, तो दूसरी तरफ नगर निगम की लापरवाही भी कम नहीं है। शहर में चारों तरफ कूड़े कचरे का अंबार लगा है और पूरा शहर गंदगी से बजबजा रहा है। खलीफाबाग चौक, ततारपुर चौक, पर्वती चौक, तिलका मांझी चौक समेत कई स्थानों पर राहगीर कूड़े की सरांध से परेशान है और बीच सड़क पर कूड़े कचरे का अंबार लगा है, जिसके कारण पैदल और वाहन से आने जाने वाले लोगों को अनेक तरह की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कूड़े का नियमित उठाव नहीं होने से राहगीरों को बदबू रास्ते से चलना पड़ रहा है। वहीं गली मोहल्ले की स्थिति साफ सफाई नहीं होने से बदतर हो गई है। लोगों ने बताया कि वार्ड में निगम की ओर से ना ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है और ना ही नालों की नियमित सफाई की जा रही है, जिसके कारण नाले का पानी सड़कों पर बह रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर भागलपुर सिटी डीएसपी राजफन सिंह ने विश्वविद्यालय थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिटी डीएसपी ने थाना की संचिकाओं का अवलोकन किया, साथ ही डीएसपी ने गुंडा पंजी को अपडेट रखने का निर्देश दिया। वहीं थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने सिटी डीएसपी राजफन सिंह को स्टेशन डायरी की जानकारी दी और बताया कि थाना में सभी तरह की संचिका अघतन है। डीएसपी राजफन सिंह ने लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया, साथ ही दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की बात कही। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से नया ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। नए रूट अष्टमी पूजा से लेकर विजयादशमी तक शहर में लागू रहेगा। एसएसपी ने बताया कि डिक्सन रोड, घंटाघर, लोहापट्टी, मुंदी चक, खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, नया बाजार और पुलिस लाइन मोड़ के समीप बैरियर लगाकर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। वहीं पटल बाबू रोड, मारवाड़ी पाठशाला, खलीफाबाग से सूजागंज बाजार में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। एसएसपी ने कहा कि बैरियर से लेकर बाजार जाने वाली सड़कों पर मोटरसाइकिल, ऑटो और चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। एसएसपी ने कहा कि तिलका मांझी से पुलिस लाइन, विकनपुर, भोलानाथ पुल, बस स्टैंड से स्टेशन रोड पर वाहनों का परिचालन होगा। एसएसपी ने कहा कि मेला में भीड़ को देखते हुए टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, घंटाघर, बड़ी पोस्ट ऑफिस और बस स्टैंड में सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं नया ट्रैफिक प्लान अष्टमी के दिन से लागू होगा। पटना में रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण भागलपुर रूट से चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है तो कई ट्रेन को रूट बदलकर चलाया जा रहा है। भागलपुर से दानापुर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया, जबकि ब्रह्मपुत्र मेल, विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित एक दर्जन से अधिक ट्रेनों को क्यूल गया होते हुए चलाया जा रहा है। बाढ़, बख्तियारपुर और पटना जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों के रूट बदले जाने को लेकर काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। भागलपुर में लगातार हो रही बारिश से कई स्थानों पर जलमग्न जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य केंद्र भी बाढ़ के पानी की चपेट में है। सोमवार को हेल्थ सेंटर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। अधिक पानी होने के कारण पीजी हॉस्टल में 9 से छात्र आ जा रहे हैं। वहीं मारवाड़ी कॉलेज के हॉस्टल में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने बताया कि बारिश के कारण हॉस्टल के छत से पानी टपक रहा है। वहीं मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार ने कहा कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए हॉस्टल खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। सब रूम में नीचे से रिस रिस के ठौना भर पानी लग चुका है। उसके बाद हर यदि खिड़की खोलते हैं ग्राउंड फ्लोर का, तो स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है। और जैसे ही खिड़की खोलते हैं सांप, बिच्छू वगैरह और घोंघा जितना भी ये सब है, ये सब रूम में प्रवेश कर रहा है। फिर इसके बाद ये दिक्कत आ रही है कि फर्स्ट फ्लोर का जो छत है एकदम बिल्कुल जर्जर है, हर रूम में पानी टपकता है। मारवाड़ी कॉलेज के हॉस्टल में ही नहीं है पानी, पीजी और में भी है, लेकिन हम अपने मारवाड़ी कॉलेज के लिए हम अभी जा रहे थे देखने के लिए, तो अंदर नहीं जा सके हम क्योंकि पानी है वहाँ और पानी के चलते जो है उसमें नहीं जा पाए। और लेकिन इसके पूर्व भी जब थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हुआ था उसी समय छात्रों को सूचना दे दी गई कि सारे छात्र हॉस्टल खाली कर दें। अंगिका महोत्सव के आयोजन को लेकर छोटी खंजरपुर स्थित कोचिंग संस्थान में गोष्ठी सा साहित्यिक पुस्तक लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चंद्र प्रकाश जगप्रिय द्वारा रचित खरेता इतिहास और संस्कृति एवं प्रेत पचीसी पुस्तक का लोकार्पण सेवानिवृत्त वाणिज्य कर आयुक्त कैलाश ठाकुर, डॉक्टर अमरेंद्र, गौतम सुमन, प्रीतम विश्वकर्मा सहित कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कैलाश ठाकुर ने कहा कि अंगिका में यह पहला पुस्तक है जिसमें कथाओं का विवरण किया गया। वहीं डॉक्टर अमरेंद्र ने कहा कि अंगिका भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। अंगिका महोत्सव 2020 एक और 2 फरवरी का तय हो चुकलो छे। एक और 2 फरवरी का जे छे तिलका मांझी के वृंदावन विवाह भवन में साहित्यकार रो जमघट लगते, अंगिका प्रेमी का जमघट लगते,
पिछला बार के तरह ये बार भी अंगिका महोत्सव 2020 ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होते। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। विधानसभा उपचुनाव नामांकन के अंतिम दिन भागलपुर और बांका में 23 प्रत्याशियों ने दाखिल किया पर्चा। समाहरणालय परिसर में उमड़ी रही समर्थकों की भीड़। गंगा का जलस्तर बढ़ते ही विश्वविद्यालय कैंपस में घुसा बाढ़ का पानी। कर्मचारियों ने छुट्टी घोषित करने की मांग। बाढ़ के कारण नाथनगर विधानसभा उपचुनाव कराना जिला प्रशासन के लिए बनी चुनौती। सबौर और नाथनगर का इलाका हुआ जलमग्न। तेज बारिश के कारण बांका अमरपुर मुख्य मार्ग पर गिरा विशाल पेड़। घंटों यातायात रहा बाधित। और नवरात्र को लेकर मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से डांडिया का हुआ आयोजन। जमकर थिरकी महिलाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।